हे गाइस, दिस इज़ श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं लगातार आप सभी के लिए को करिकुलर के लिए के टॉपिक्स यानी कि उसके सिलेबस आप सभी को बता रही हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सेमेस्टर बीएससी और बीए सेमेस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट्स के लिए ये को करिकुलर का टॉपिक है, जिसमें यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ठीक, इसके बारे में आपको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप इस कोर्स को पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी, तो आप देख लीजिए। फैमिली राइज विद एनोलॉजी, नंबर सिस्टम, सेट थ्योरी एंड इट्स अप्लीकेशन, नंबर सिस्टम एड पजल्स, ये सब आपको पढ़ने हैं, आपको पता चल जाएंगे अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो। टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ सिलोजिज, फिगर प्रॉब्लम्स, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, और यहाँ पे विद वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन एंड वर्कशीट, टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ वेव्स सर्फिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें आपको इसकी नॉलेज हो जाएंगी। तो हम देख लेते हैं हमारे फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़नी है। अल्फ़ाबेट टेस्ट आपको पढ़ने हैं, यानी कि ये सब चीज़ें रीजनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, वही आपको पढ़नी है। टेस्ट है, एनालॉजी है, अरिथमेटिक रीजनिंग है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, इनइक्वालिटीज़ हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम है, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और मिसिंग नंबर्स, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी हैं। और हमारा अगला है सिलोजिज्म, पैटर्न कंप्लीशन एंड फिगर सीरीज, एम्बेडेड फिगर एंड काउंटिंग ऑफ फिगर्स, क्यूब, डाइस, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, डाटा सफिशियंसी, कोर्स ऑफ एक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग। आपने डिसीजन मेकिंग में मैंने आपको ये जो टॉपिक है डिसीजन मेकिंग वाला, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। अगर आपने वहाँ पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप उससे देख भी सकते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं आगे क्या है। थर्ड यूनिट में आपका है कंप्यूटर बेसिस, यानी कि आपको कंप्यूटर बेसिस चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है, जैसे ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। मुझे ऐसा लगता है ये तो आजकल के ज़माने में मतलब आजकल के जो बच्चे हैं वो वन टू फर्स्ट और सेकंड वाले बच्चे भी इसको बनाना जानते हैं। ठीक, और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी सिस्टम, प्राइमरी स्टोरेज, ऑक्सिलरी मेमोरी, कैचे मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपको एमएस वर्ड बेसिक, अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप सभी को एमएस वर्ड से सर्टिफिकेट बनाना बताया था, फ्रंट पेजेस बनाने बताए थे, और एक्नॉलेजमेंट बताया था, और बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको बताई हैं। अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा होगा, और यहाँ वहाँ पे मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि एमएस वर्ड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। हाँ, वो थोड़ा कंप्यूटर से अलग है फ़ोन में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। एक दो टॉपिक जो होंगे वो जो कंप्यूटर से नहीं मिलता हमारे फ़ोन में, लेकिन और सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं। तो आप अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो एमएस वर्ड का यहाँ पे जो सिलेबस यहाँ पे दिया है वो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूँ, द वर्ड स्क्रीन आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, गेटिंग टू वर्ड डॉक्यूमेंट्स, टाइपिंग आप जानते हैं, रिवाइजिंग टेस्ट आप ये भी जानते हैं, फाइंडिंग और रिप्लेसिंग ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है, और एडिटिंग, प्रूफिंग टूल्स, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कैरेक्टर, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स आप बनाना सीखे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था सर्टिफिकेट जब हम बना रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे पैराग्राफ्स बना सकते हैं, और डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं, पेज सेटअप। और मैं आपको बता दूँ, मैं अपने आने वाले वीडियोस में जैसे कि मैं आपको पीपीटी बताऊँगी तो मैं आपको पीपीटी पूरा बनाकर दिखाऊँगी, ये नहीं कि बना बनाया पीपीटी मैं आपको दिखा दूँ, मैं कैसे कैसे बना रही हूँ मैं ये भी आपको दिखाऊँगी, ताकि वो आपको बनाने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे देख लीजिए, और आपको क्या पढ़ना है, प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट यहाँ पे पढ़ना है, मेल मर्ज क्या होता है, मैक्रोस, प्रोटेक्टिंग, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ पे पेज सेटअप आप कैसे करते हैं मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एमएस एक्सेल में आपको क्या क्या पढ़ना है, हम इसमें एमएस एक्सेल पढ़ ही रहे हैं, इसमें आपको इंट्रोडक्शन क्या है, ये नॉर्मली वर्कशीट बेसिक, क्रिएटिंग वर्कशीट मैंने आपको बनाने सिखाया है, हेडिंग इन्फॉर्मेशन, डाटा, टेक्स्ट, डेट, टाइम, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज, सेविंग एंड इक्वाइटिंग वर्कशीट, ओपनिंग एंड मूविंग अराउंड इन एंड एग्जिटिंग वर्कशीट, टूल बार्स एंड मीनस, और एक्सेल शॉर्टकट,
एंड फंक्शन की, ये मैंने आपको नहीं बताया। इसका शॉर्टकट यूज करना, वैसे मैंने आपको बताया इक्वल टू सम वाला मैंने आपको बताया था, सम करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी तो उसमें आ जाता है। लेकिन एक्सेल के और शॉर्टकट होते हैं, मैं इस फंक्शन के जो कीज़ हैं मैं आपको बताऊँगी आने वाली वीडियोज़ में अपने। वर्किंग विथ सिंगल एंड मल्टीपल वर्कबुक, वर्किंग विथ फार्मूला एंड सेल रिफ्रेंसिंग, ऑटोसम क्या होता है, कोपिंग फार्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एड्रेसिंग क्या होती है, वर्कशीट विथ रेंजेस क्या होते हैं, फॉर्मेटिंग ऑफ वर्कशीट क्या होती है, प्रीव्यूइंग एंड प्रिंटिंग वर्कशीट क्या होती है, ग्राफ्स क्या होते हैं, चार्ट्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया, पाई चार्ट मैंने आपको बताया, कॉलम चार्ट बताया, ग्राफ भी खींचना आपको बताया बनाए हैं, डाटाबेस, क्रिएटिंग एंड यूजिंग मैक्रोस और मल्टीपल वर्कशीट कॉन्सेप्ट, आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन सोर्स एप्लीकेशन, लाइब्रेरी ऑफिस, ओपन ऑफिस, गूगल डॉक्स, इसके बारे में आपको मैं बता दूंगी एम एस एक्सेल वाले प्ले लिस्ट में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। वेब सर्फिंग आपको पढ़ना है, एंड ओवरव्यू वर्किंग ऑफ इंटरनेट, ब्राउजिंग द इंटरनेट, ईमेल क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल क्या होते हैं, एड्रेस बुक क्या होते हैं, ट्रबल शूटिंग इन ईमेल, ब्राउजर, नेटस्केप, नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, टॉर सर्च इंजन, लिक, गूगल, डक डक गो, ETC, विजिटिंग वेबसाइट्स, डाउनलोडिंग, कैसे आप वेबसाइट पे जाते हैं, कैसे उसे डाउनलोड करते हैं वहाँ की चीज़ें, तो चीज़ों को, जैसे कि हम रामलाव पे गए थे और हमने सीखा था कि हम सिलेबस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, तो आप वैसे ही, मतलब कि हम वेबसाइट रामलाव के वेबसाइट पे गए, उसे हमने डाउनलोड किया, ये हमने सीख लिया है, तो आपको यहाँ पे यही सीखना था। तो फिर मैं आपको बता दूँ कि एक एक करके मैं आपके लिए ये वीडियो ज़रूर लूँगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल मैंने अपने इसके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वहाँ से देख लें। आपको अगर नहीं समझ में आता तो मैं एक एक करके इसका वीडियो ज़रूर बताऊँगी, और अगर नहीं समझ में आए तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यहाँ पे देखिए इसके बाद आपको पढ़ना है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो आप अगर अदर एग्ज़ाम, जैसे आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो क्या है कि वहाँ पे आपको ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। साइबर सिक्योरिटी में आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, CIA मॉडल क्या है ऑफ इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी कि IS जिसे हम बोलते हैं, और साइबर सिक्योरिटी, फिशिंग, स्पैमिंग, फेक न्यूज़, जनरल इशूज रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस नीड, इथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है। मैं आपको बता दूँ इसका 2 यूनिट हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर रखा है, और इसमें जो चीज़ें बची हुई हैं मैं उसे जल्दी ही कवर कर लूँगी, आप वहाँ से जाके मेरे प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ देख सकते हैं। अलग से प्ले लिस्ट बनी है, एक प्ले लिस्ट होगी जिसमें MS Word के बारे में होगा, वो क्या होगा, असाइनमेंट होगा, और उसमें प्रोजेक्ट भी होगा, दोनों में आप अगर देख सकते हैं तो वहाँ पर आपको सिंपली उसका फंक्शन देखने को मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे असाइनमेंट में मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है MS Word का, यानी कि MS Word के फंक्शंस का, तो अगर आप वहाँ पे एक बार चले जाएं, आप जाएं और वहाँ पे वीडियोस को देखें तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा MS Word के फंक्शंस क्या होते हैं। ये जो आपका इतना बड़ा टॉपिक बड़ा सा दिया है, ये इतना बड़ा है नहीं जितना यहाँ पे दिख रहा है, बस आपको समझना है कि हाँ ये क्या चीज़ है और इससे हम क्या चीज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है MS Excel। MS Excel मैं कर ही रही हूँ स्टार्ट, आपको वर्कशीट बनाना मैंने सिखा दिया है, उससे भी आप क्या क्या चीज़ें, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, ये सब चार्ट मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इतनी सारी वेबसाइट्स भी दी हैं, आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें दी हैं, असेसमेंट टाइप, ग्रुप डिस्कशन है, और असाइनमेंट है, और फीलिंग वर्ड, वन वर्ड है, फ्रेज आंसर है, रिकॉग्नाइजेशन टाइप है, ये सब चीज़ें आपको MCQs, यानी कि है कि आप अपने क्लास में ये सब चीज़ें करें तो आपको ये यहाँ पे आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।